स्वागत है आप सभी का मेजर टिप्स के और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है तुलसी के फायदे। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी और जीवन के लिए अमृत कहा जाता है। औषधीय, पाक और आध्यात्मिक गुणों के कारण तुलसी को अन्य जड़ी बूटियों से श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी की तीन अलग अलग किस्में हैं, हरी पत्तियों वाली रामा तुलसी, बैंगनी पत्तियों वाली कृष्ण तुलसी और जंगली किस्म की हल्के रंग हरे रंग की वन तुलसी है। वैदिक काल से भारत में तुलसी के पौधों का प्रयोग किया जा रहा है और हिंदू धर्म में इसे काफी पवित्र भी माना गया है। तुलसी के पौधे आकार और रंग, भौगोलिक स्थिति, बारिश और पौधों के प्रकार पर निर्भर करता है। तुलसी का इस्तेमाल भोजन से लेकर दवाओं में तक किया जाता है। सैलेड और चटनी में तुलसी की खुशबू और तीखा स्वाद मन को भी भा जाता है। प्राचीन समय में तुलसी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास जाने और इसे सूंघने से कई तरह के संक्रमण से भी बचाव होता है। धार्मिक महत्व के कारण इसे पवित्र तुलसी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में तुलसी को स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए जाना जाता है। तुलसी में माइक्रोबियल रोधी, सूजन रोधी, गठिया रोधी, लीवर को सुरक्षा देने वाले, डायबिटीज रोधी, दमा रोधी गुण पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी के फायदे। तुलसी का फायदा खांसी के लिए। तुलसी खांसी के लिए सिरप में एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन बजाय सिरप खरीदने के आप घर ही में एक अच्छी घरेलू औषधि बना सकते हैं, जो उतनी ही असरदार होगी। 8 तुलसी के पत्ते और 5 लौंग 1 कप पानी में डालें और 10 मिनट के लिए इसे उबाल लें। आप आपके स्वाद अनुसार कुछ नमक भी डाल सकते हैं। इसे ठंडा होने दें और फिर खांसी में राहत के लिए इसे पी लें। अगला है सर्दी और जुकाम में तुलसी का फायदा। तुलसी के पत्ते बुखार और जुकाम के इलाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्दी और जुकाम से राहत के लिए कुछ ताज़ा तुलसी के पत्ते चबा लें। बरसात के मौसम के दौरान मलेरिया और डेंगू बुखार का खतरा होता है, ऐसे में पानी में उबालने के बाद तुलसी की कोमल पत्तियों का सेवन करें। यह आपको इस प्रकार के बुखार से सुरक्षित रखेंगी। जब तीव्र बुखार से पीड़ित हो तो तुलसी की पत्तियों को 1 कप पानी में इलायची पाउडर के साथ उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में कई बार पिएं। तुलसी के पत्तों का रस तेज बुखार को कम करता है। साथ ही सर्दी जुकाम में तुलसी, अदरक, काली मिर्च की दूध वाली चाय पीने से बहुत ही आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते तनाव को दूर रखते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी की पत्तियां तनाव के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। तुलसी की ऊर्जा और ध्यान बढ़ाने के लिए भी काम करता है, जिससे ये दोनों तनाव दूर रखने में मदद करती है। तुलसी आपके शरीर के अंगों में रासायनिक तनाव के खिलाफ भी रक्षा करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तुलसी के 10 से 12 पत्ते दिन में 2 बार चबाने की सलाह देते हैं। ताज़ा तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तुलसी का उपयोग श्वसन संबंधी विकारों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अस्थमा उनमें से एक है। तुलसी के रस का फायदा आंखों के लिए भी होता है। 100 ग्राम ताज़ा तुलसी की पत्तियां विटामिन ए की दैनिक उचित खुराक देती है। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण है और वह स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक है। ताज़ा तुलसी का रस आंखों की सूजन और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को अच्छा करता है। तुलसी के औषधीय गुण मौखिक स्वास्थ्य के लिए। तुलसी मौखिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। यह बुरी सांस, पायरिया और विभिन्न अन्य मसूड़ों की बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी चेहरे के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह जड़ी बूटी मुहासों को रोकती है और मुहासों के घावों की चिकित्सा प्रक्रिया को भी तेज करती है। ताज़ा तुलसी के पत्तों का रस त्वचा से बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है, जो त्वचा के रोम बंद होने, मुहासों का होने का मुख्य कारण है। यदि आपको पहले से ही मुहासे हैं, तो जीवाणुओं को नष्ट करने के हेतु प्रभावित क्षेत्र पर तुलसी के रस को लगाएं। इससे आपके चेहरे के जो पोर्स रहते हैं वो खुले हो जाएंगे।
तुलसी आपकी त्वचा को नरम, कोमल और स्वस्थ भी बनाता है। तुलसी सिर दर्द के लिए एक अच्छी दवा है क्योंकि यह मांसपेशियों को आराम देती है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण भी मौजूद होते हैं जो संक्रमण के इलाज में मदद करते हैं, यानी कि स्किन इन्फेक्शन में। तुलसी की पत्तियां बैक्टीरिया के विकास को बढ़ने से रोकती है। तुलसी आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसकी पत्तियों से तुलसी का रस निकालकर पेट दर्द में इसके इलाज के लिए उपयोग कर सकते हैं। तुलसी के रस की एक चम्मच अदरक के रस की समान राशि के साथ मिलाकर तुरंत पेट दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी खाने से कैंसर में भी लाभ होता है। तुलसी खाने का सही तरीका अब हम आप देखेंगे। आप तुलसी की पत्तियों को कई तरह से सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को कच्चा भी चबा सकते हैं और इनके पत्तों को सुखाकर इनकी चाय भी बना सकते हैं। तुलसी के पत्तों की चाय इस जड़ी बूटी का सबसे आराम और लोकप्रिय उपयोग है। आप उबले हुए पानी में 2 से 3 चम्मच तुलसी के पत्तों का पाउडर डालें और इसे 5 से 6 मिनट तक उबाल दें, फिर इस चाय का सेवन करिए। अब हम देखेंगे तुलसी के नुकसान। तुलसी हमारे शरीर में रक्त को पतला करती है और इसीलिए इसे खून के जमने को रोकने वाली दवाओं के साथ नहीं लिया जा सकता। यदि मधुमेह से आप पीड़ित हैं जो दवा ले रहे हैं और तुलसी का सेवन भी करते हैं तो उनके रक्त में शर्करा अत्यधिक कम हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान तुलसी की अत्यधिक मात्रा गर्भाशय के संकुचन और मासिक धर्म का कारण भी बन सकती है। विशेष रूप से पहली तिमाही में महिलाओं को इसके उपयोग से बचना चाहिए। संतान करने वाली माताओं के बारे में भी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से संतान की अवधि के दौरान तुलसी का उपयोग मत कीजिए। तुलसी गर्म होती है इसलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में ही करने की सलाह दी जाती है। तुलसी को गर्मियों में मौसम में भी खा सकते हैं, पर इसका अधिक उपयोग करने से आपको कोई समस्या हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।